सब्सक्राइब कीजिए जॉय मुखर्जी प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहे। I am very proud of it. I think बहुत ही जो लोग करते हैं उनकी जिंदगी के जिंदगी में उनको सेलिब्रेट करना चाहिए और आई थिंक माई दादा इज डन सम अमेजिंग थिंग्स इन हिज लाइफ. उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना कुछ किया है कि उनकी जिंदगी छोटी पड़ गई उसके लिए. तो लेकिन आई थिंक दैट आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर. आई एम ग्लैड दैट वी हैव समथिंग लाइक दिस. आई ब्रॉट माई सन अलॉन्ग. मैं अपने बेटे को भी लेके आई हूँ क्योंकि मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि उनकी हिस्ट्री क्या है. एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड टू बी हियर. ढेरों सारी फिल्में भी हैं उनकी, हम देख रहे हैं यहाँ पे. ऐसी कोई मेमोरी है या ऐसी उनकी कोई फेवरेट फिल्म जो आप बार बार देखती हैं फ्री होती है? अरे ये वाली तो मतलब दिल को छू गई. एक्चुअली मैं बहुत ही बहुत छोटी थी तभी. मैं बहुत ही छोटी थी जब कभी फिल्म समझती नहीं थी, अब समझती ज्यादा. बेसिकली वो मेरे दादा थे एंड दादू वॉज आई थिंक मोर ऑफ कभी फिल्म कभी हीरोइन बनेगी नहीं बनेगी तब पता भी नहीं था. बहुत छोटी थी लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि हमेशा सफेद धोती सफेद कुर्ता सफेद टोपी पहन के. एंड व्हाट आई लव्ड अबाउट हिम आई थिंक आई लव्ड हिज स्मेल. उनका एक पर्टिकुलर परफ्यूम हुआ करता था जो मुझे आज तक याद है एक्चुअली. सो आई रिमेम्बर दैट वेरी वेरी वेल. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मुझे पता नहीं है. बॉक्स ऑफिस ही गोलमाल है. मुझे मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी पिक्चर और टचवुड और भी चलेगी. क्या बोल रहे हैं आप? कोई ऐसी मेमोरी शेयर करना चाहेंगे आज के दिन आप? देखिए ये तो लेजेंड है, सभी जानते हैं मुखर्जी. मैं बहुत लेट में आई हूँ उनकी जिंदगी में और वो मेरी जिंदगी में बहुत लेट आए हैं. मैं उन्हें मौसा जी करके ही बुलाती थी. मैं उनका खाली अफेक्शन और लव के बारे में बता सकती हूँ. उनकी वाइफ सती रानी मुखर्जी, शी वॉज अ लवली पर्सन एंड दे ऑलवेज ट्रीट मी लाइक वन ऑफ देयर सिबलिंग एंड एवरीबडी नोज व्हाट ही मेड. टुडे आई एम हियर टू शो माई ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हिम एंड हिज फैमिली बिकॉज वॉट एवर वी आर हियर बिकॉज ऑफ हिम. हेमंत कुमार वॉज really brought by him here and established here. So I just came to show my gratitude. And she forgot to mention that her sons, as well as your sons, also very nice people. No, I said the whole family. Whole family. You see, you cannot love one person. You cannot become a family friend. You have to love all of them. Thank you. Because ये पहली बार है इस तरह का tribute. And जो नई generation को पता नहीं है शायद कि किस तरह से एक आदमी ने दो स्टूडियोज एक के बाद एक खड़े किए, सुपर फिल्में बनाई एस मुखर्जी जी, और किस तरह से उनका वो हिट का दौर था और कितना बड़ा दौर था ये आज इस शो के थ्रू हमको देखने को मिलेगा. एंड इट्स अ रीविजिटिंग अ न्यू एक्सपोजर फॉर द न्यू ऑडियंसेस. ढेरों सारे फिल्में हैं उनकी, तो कोई ऐसी शेयर करना चाहिए? और मैंने सारी देखी. मैंने कंगन, बंधन, दिल दे के देखो, लव इन शिमला, ऑल द फिल्म्स आई हैव सीन एंड देयर ऑल रियली ब्यूटीफुल फिल्म्स. मैं बहुत
एक ऐसा प्रोड्यूसर है जिसका मैं फैन हूँ। क्योंकि सर आप खुद एक डायरेक्टर हैं, तो उस टाइम का जो डायरेक्शन का जो आपने टाइम देखा था और आपका जो डायरेक्शन है, क्या कुछ डिफरेंट देखते हैं आप? आई थिंक हर ईरा में जो जिस किस्म की फिल्में बनती हैं वो किस तरह का ऑडियंस है उस पर एक कनेक्शन रहता है, देयर इज अ गिव एंड टेक। सो एवरी जनरेशन हैज गॉट इट्स ओन काइंड ऑफ सिनेमा टेक्निक्स, फिल्म मेकिंग और स्टोरी नरेशन की स्टाइल्स होती हैं वो हर डेकेड की अलग अलग होती हैं, तो ऐसा कोई कंपैरिजन आप नहीं कर सकते, हर डेकेड में अपना एक दौर होता है। थैंक यू, थैंक यू। आप बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पे हम तो दुनिया में थे नहीं, अगर आप क्योंकि हमने नहीं नहीं हम उनकी देखी है, जी जी जी, अगर आप शेयर करना, उन्होंने तो बड़े बड़े जी जी कलाकारों को इंट्रोड्यूस किया तो दुनिया जानती है, लेकिन ये परिवार कैसा वो कैसे थे वो बहुत मतलब उनसे काफ़ी बात हुई है। उन्होंने कहा किशोरदा के बारे में भी बच्चा था लेकिन ऑब्जर्व करता रहता था, ये उन्होंने बताया था। और सबसे बड़ी बात अभी देखा ना किस तरह से मतलब ये परिवार जो है मायके से भी ज़्यादा प्यार देते हैं, ससुराल कभी नहीं लगा, बहुत अच्छा। और हम लोग वॉक करते थे, उनके पिताजी भी आते थे, और एस मुखर्जी साहब को तो वो जितना रिस्पेक्ट दिया था कम ही है। ये बहुत अच्छा लिखा ना मिडास मुखर्जी, हाँ टच करके उसको बोलते पारस, पारस जी बिल्कुल सही मानों में। कौन से फिल्में देखी हैं आपने उनके और या आपके कौन कौन से? करीब करीब स्कूल से ही जॉय मुखर्जी, फिर लव इन शिमला, दिल देखे देखो, बहुत सारी फिल्में देखी आपके इसमें। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। फिर प्रणब मुखर्जी जो है उनका भी म्यूजिक मुझे अच्छा लगा था, वो पहले इधर भी मैं देखूँ, और शुरू से स्कूल डेज से मैंने देखी फिल्म। अभी एक वो बहुत अच्छा है, एक बार मुस्कुरा दो, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, न बुझते दिए को याद करना, तू औरों की क्यों हो गई। देखा ना मैं कैसे ज्यादा प्यार मिलता है। यू नो एक्चुअली मैं लिटरली आज सुबह तक बॉम्बे में नहीं था बिकॉज ऑफ वर्क, हमारी फिल्म की वजह से। बट ये एक्चुअली हमारी फैमिली के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिन है, इसीलिए आई एक्चुअली फिनिश माई वर्क एंड कम बैक ओनली फॉर दिस फंक्शन। सो एक्चुअली ये बहुत इम्पॉर्टेंट शाम है हम लोग के लाइफ में। एंड माई ग्रैंडफादर पास्ड अवे जब मैं काफ़ी छोटा था, बट ऑब्वियसली आई हैव ग्रोन अप हियरिंग अबाउट हिज स्टोरीज एंड द थिंग्स दैट ही अचीव्ड एंड इन द शैडो ऑफ हिज अचीवमेंट्स, सो इट विल बी वेरी नाइस टुडेज फंक्शन, इट्स अ वेरी बिग डे फॉर द फैमिली। ढेरों सारी फिल्में हैं उनकी, तो अगर आप कौन कौन सी आपकी करीबी है, आप जब भी फ्री होते हैं उनकी फिल्में देखते हैं? यू नो मैं आपसे सच सच कहूँगा, मैंने उनकी एक्चुअली इतनी फिल्में देखी नहीं है। मुझे उनकी उनका जो इम्पैक्ट रहा हमारी इंडस्ट्री में उसके बारे में पता है, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने सब फिल्में देखी नहीं है उनकी। सो या सो वन डे जब लाइफ में वक्त मिलेगा एंड आई हैव सीन एवरीथिंग देन आई विल आंसर दिस क्वेश्चन ऑनेस्टली। आपकी फिल्म का स्टेटस जानना चाहेंगे? हमारी फिल्म का हमने देखा है कि आपको टाइटल कैसे लगा फिल्म का? ब्रह्मास्त्र अच्छा लगा आपका? इंस्टाग्राम पे हम ढेरों कई सारे आलिया को इवन हम देख रहे हैं कि वो रीड करते हुए कि ब्रह्मास्त्र की स्क्रिप्टिंग रीड कर रही है, मतलब सभी को आपने उसमें आप बताइए। सो मैं बस ये कह सकता हूँ कि बहुत टाइम से बहुत वक्त से मैं एटलीस्ट और मेरी टीम इस फिल्म पे बहुत मतलब बहुत काम कर रहे हैं। यू नो इस फिल्म पे बहुत लंबा प्री प्रोडक्शन पीरियड रहा है। जब होपफुली जब ये फिल्म बन के आएगी और आप वो विजुअल्स देखेंगे और इस फिल्म की कहानी समझेंगे, सो यू विल अंडरस्टैंड कि इतना टाइम क्यों लग रहा है हमें इस फिल्म को बनाने में। और जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ये सब प्री प्रोडक्शन के बारे में, इस सब का मीनिंग क्या है बेसिकली। बट मैं बस ये कहना चाहूँगा कि बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है एंड आई होप कि यू नो हमारे सिनेमा के लिए एक लैंडमार्क फिल्म बन सके। तो हम ऐसा माने कि ये फिल्म आने के बाद इंडस्ट्री में एक अलग ही बदलाव आएगा, जैसे हमने देखा बाहुबली जब आई
इस तरह का हमारे बिल्कुल वही ख्वाहिश है. दैट इज द ड्रीम, दैट इज द गोल. बाहुबली इज द स्टैंडर्ड. लेकिन ऑब्वियसली अभी तक ये फिल्म बनी नहीं है और मैं बस ये फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. सो दैट इज़ द होप. आई रियली होप कि फिल्म इतनी अच्छी बन के निकले. बट वो आप 2 साल के बाद जब फिल्म बनेगी तो आप कहना, नो वो मैं कैसे कहूँ. थैंक यू वेरी मच. मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आई एम वेरी एक्साइटेड. हम देखना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें की हैं एंड इफ़ वी कैन ओनली लिव अप टू हाफ ऑफ दैट आई थिंक वील बी गुड. सो आई लुक फॉरवर्ड टू इट. वो जमाना अलग था. वो आई मीन वो मोगल का जमाना जो उन्होंने बनाया. उन्होंने लिटरली हमारी इंडस्ट्री बनाई है फ्रॉम नथिंग. दे क्रिएटेड आर इंडस्ट्री. जो आइटम सॉन्ग्स हैं, सारे जो उन्होंने डिसीजंस लिए वो आज हम हमारे स्क्रीन्स पे देख रहे हैं. सो आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड. आई लुक फॉरवर्ड टू इट. आई थिंक माई ग्रैंड फादर इज अ रॉक स्टार. माई फादर मेरे इंस्टीट्यूट डिड मेक फिल्म्स. Oh, good one. Any memories you want to cherish? Oh, there are lots of memories. Why don't you come and see the show? All things that we have discussed is that we compile in today's show. We're trying to do that. There are a lot of things. My father did films for people who loved him, who looked after him, who wanted to make their careers. Whether Dilip Kumar, Shami Kapoor, Nasir Hussain, Subodh Mukherjee, Ayaz Johar, there are so many of them like that. Raja Mandeli Khan, S.G. Burman, Usha Khanna. He met so many of them all. So that, yeah. That is the show that we are having today regarding all these people only. सब्सक्राइब कीजिए जॉय मुखर्जी प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहे.